गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कक्षा 12 में बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो अब देखिए, जो मॉडर्न टाइम बायोटेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मॉडर्न टाइम है, इन मॉडर्न टाइम दो शब्द का प्रयोग करते हैं, पहला तो है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। ठीक है, इन दो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का प्रयोग हम करते हैं, ये तो है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में जैविक नियंत्रण और खाद्य पदार्थ किण्वन से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। जैविक नियंत्रण से मतलब क्या है? जैसे पेस्टिसाइड का निर्माण करना, ठीक है, फंगीसाइड का निर्माण करना, ठीक है, इस तरह से खरपतवार नियंत्रण के लिए जिन संसाधनों का या जिन रसायनों का निर्माण किया जाता है वो आते हैं जैविक नियंत्रण में। वो क्या करते हैं? खरपतवार का विनाश करते हैं। और इसी तरह से खाद्य पदार्थ किण्वन से संबंधित प्रयोग का मतलब यही है कि किण्वन फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है जो कि मानव उपयोगी होते हैं। तो ये तो आते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में। और जो दूसरा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रयोग इसके अंदर किए जाते हैं। जैसे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो डीएनए विस्तारण है, डीएनए का विस्तार किया जाता है, उसको रिकॉम्बिनेट किया जाता है। इसी तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड से अध्ययन से मतलब क्या है? जैसे जीन थेरेपी करना, जीन थेरेपी के उपचार द्वारा रोगों से निदान दिलाया जाता है। इसी तरह से जीनों में आनुवांशिक हेरफेर किए जाते हैं, ये सब कार्य जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे PCR एक प्रोसेस है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकें जो हैं वो जटिल और खर्चीली होती हैं और कुछ तकनीक जो हैं उसका हम अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। और जिसमें पहला आता है नंबर वन पर बायोसेंसर, नंबर एक है बायोसेंसर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बायोसेंसर क्या है? देखिए, बायोसेंसर जिसे हम हिंदी में जैव संवेदक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव संवेदक भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जैव संवेदक। सबसे पहली बात ये कि ये जैविक पदार्थों से व्युत्पित पदार्थ हैं, यानी कि जैविक पदार्थों से ही निकले हुए व्युत्पन्न होते हैं ये, जो कि विश्लेषणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। विश्लेषणों से यहाँ तात्पर्य क्या है? जैसे ये टिश्यू के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, जो सूक्ष्म जीव है उनके साथ करते हैं, कोशिका के अंग हैं उनके साथ, कोशिका ग्राही के साथ, एंजाइम के साथ, एंटीबॉडीज के साथ और न्यूक्लिक एसिड के साथ, ये सब क्या है? विश्लेष्य कहलाते हैं। देखिए, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि बायोसेंसर मूलतः क्या है? जैविक पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है, और ये रासायनिक व घ्राण संवेदनाओं को ग्रहण करते, ये क्या करते हैं? जो भी मैंने आपको अभी विश्लेष्य बताए हैं, जैसे टिश्यू से, जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड है, एंटीबॉडीज है, तो उनसे ये घ्राण संवेदनाओं को, रासायनिक संवेदनाओं को ये ग्रहण करते हैं और उनको बाद में विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। और इनका परिवर्तन विद्युत संकेतों में होता कैसे है? इन घ्राण संवेदनाओं का इनका परिवर्तन होता है परिवर्तक के द्वारा, जिसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, परिवर्तक के द्वारा इनका परिवर्तन किया जाता है। देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे ब्लड में क्या होती है? ग्लूकोज होती है, जिसे हम ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। तो जो ब्लड ग्लूकोज जैव संवेदक है, जिसे हम ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर कहते हैं,
ये एक जैव संवेदक हैं जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के उत्प्रेरणा से ये ब्लड ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है। यानी इसका मतलब यही है कि ये ऐसा जैव संवेदक है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो उस ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा को ये ब्रेक कर देता है। किसकी सहायता से? ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम की सहायता से ये उसको ब्रेक कर देता है। अब इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, जैसे मधुमेह के रोगी होते हैं, डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में, उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर डायबिटीज़ के रोगियों की मॉनिटरिंग की जाती, मॉनिटरिंग का मतलब यही है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, इसका मतलब यही है कि उस ग्लूकोज लेवल को कम किया जाता है। किसके माध्यम से? इन्हीं जैव संवेदकों के माध्यम से उस ग्लूकोज लेवल को डाउन किया जाता है। ठीक है, जैसे इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन का डायबिटीज़ के रोगियों को इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंसुलिन का क्या काम क्या होता है? इंसुलिन का काम भी यही होता है। तो एक तरह से वो भी क्या है, एक तरह का जैव संवेदक ही है। तो देखिए, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है उसकी सहायता से ब्लड ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है, जिससे कि डायबिटीज़ के रोगियों में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग हो जाती है, अर्थात उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन आ जाता है। इसी तरह से अन्य चिकित्सा उपयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब पर्यावरण के क्षेत्र में देखें, इन बायोसेंसर का क्या प्रयोग है, पर्यावरण के क्षेत्र में देखिए, पेस्टिसाइड बनाने और नदी के प्रदूषकों को, जो पॉल्यूटेंट होते हैं नदियों में, उनका पता लगाया जाता है। किसके माध्यम से? इन जैव संवेदकों के माध्यम से। ये जैव संवेदक जब उनके संपर्क में आते हैं तो वहाँ से वो घ्राण और रासायनिक संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें उन पदार्थों या उन प्रदूषकों के बारे में पता लग जाता है। इसी तरह से पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो पेस्टिसाइड बनाने के दौरान क्या किया जाता है कि ये उन जो भी पेस्टिसाइड हम बनाते हैं, जो भी खरपतवार नष्ट करने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पेस्टिसाइड का निर्माण किसके माध्यम से किया जाता है? इन्हीं जैव संवेदकों के माध्यम से किया जाता है। इसी तरह से जो वायुजनित जीवाणु हैं, वायु में भी जीवाणु होते हैं, वायु में बहुत सारे जीवाणु, देखिए जो बैक्टीरिया हैं वो जल थल नभ तीनों जगह हैं और इतनी मात्रा में हैं कि जिनका आकलन नहीं किया जा सकता। तो वायुजनित जीवाणुओं का सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन का मतलब है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो कि किसी, अगर हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है कि जैविक रासायनिक हथियारों का निर्माण करता है और उनको क्या करता है, वो आतंकवाद में काम में लेता है। लेकिन ऐसा रोक सकते हैं, इसके माध्यम से हम उन जैव संवेदकों की माध्यम से इस प्रकार की जो जैव आतंकवाद है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे? देखिए, जो वायुजनित जीवाणु हैं उनको, उनकी सेंसिंग की जाती है, यानी कि रिमोट सेंसिंग का मतलब यही है कि ये जैव संवेदक उन वायुजनित जीवाणुओं को पहचानने का काम करते हैं। ठीक है, पहचान ही मुख्य होती है। जब हमें पहचान हो जाती है कि इस तरह से हवा में इस तरह के बैक्टीरिया फैले हुए हैं जो मानव के लिए या दूसरे जंतुओं, जीव जंतुओं के लिए वो हानिकारक हैं, तो जैव संवेदकों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है और उस रिमोट सेंसिंग में ये क्या करते हैं, उन जीवाणुओं की घ्राण संवेदनाओं को ग्रहण कर लेते हैं, उन रासायनिक संवेदनाओं को ये ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि उनकी रोकथाम की जा सकती है। तो इस तरह से जैव आतंकवाद को रोकने के लिए भी बायोसेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से प्रोटीन इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं और रोग कारकों की पहचान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बायोसेंसर की मदद से कौन सा रोग कारक है जो कि रोग उत्पन्न कर रहा है, उस रोग कारक पैथोजन की भी पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ प्रकार आपको याद रखने हैं, जैसे फ्लूरोसेंट बायोसेंसर है, फ्लूरोसेंट बायोसेंसर, ठीक है, एक तो इसका ये प्रकार है, इसको आप याद रखें। इसी तरह से डीएनए बायोसेंसर है, डीएनए जो कि डीएनए की जो संवेदनाएं हैं, उसकी रासायनिक सूचनाएं हैं उसको ग्रहण करता है, डीएनए बायोसेंसर, ठीक है। इसी तरह से ओजोन है, ओजोन बायोसेंसर है,
क्लियर। इसी तरह से देखिए आगे माइक्रोबायोज हैं, जो कि सूक्ष्म जीव बायोसेंसर और मेटास्टेटिक कैंसर सेल बायोसेंसर, मेटास्टेटिक कैंसर सेल बायोसेंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या काम है कि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो मेटास्टेटिक होती हैं, लगातार वो समसूत्री विभाजन कर अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। तो इस तरह से उन कोशिकाओं की पहचान की जाती है किसके माध्यम से, इस बायोसेंसर के माध्यम से की जाती है, जिससे कि कैंसर का इलाज हम कुछ हद तक करने में सक्षम हो जाते हैं। आगे चलते हैं, ये तो कुछ टाइप हैं इसके, याद आप याद रख लेना इनको। नेक्स्ट जो है वो है बायोचिप्स। ये तो हो गए बायोसेंसर, लेकिन बायोचिप्स क्या है? बायोचिप्स जिसे हम जैविक चिप्स कहते हैं, देखिए इन्हें डीएनए चिप्स या फिर डीएनए सूक्ष्म व्यू माइक्रो एरे भी इनको कहा जाता है। किस नाम से भी जाना जा सकता है इसको, इसको हम डीएनए चिप भी कहते हैं, क्लियर, और इसको हम डीएनए माइक्रो एरे भी कहते हैं, डीएनए माइक्रो एरे इसको कहा जाता है, क्लियर। तो देखिए ये क्या है, ये सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह होता है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म डीएनए अणु होते हैं जो कि एक ठोस सतह पर जुड़े रहते हैं। इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस तकनीक का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा एक साथ एक ही समय में अनेक जीनों की अभिव्यक्ति के स्तरों के मापन में किया जा सकता है, यानी कि हम जीन अभिव्यक्ति पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जीनों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि जीन अभिव्यक्ति हम किसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे शरीर की अगर हम बात करें, हमारे शरीर में जो एक ट्रिप्टोफैन एसिड होता है उसके निर्माण से संबंधित जीन पाए जाते हैं, ठीक है, और सभी जीन मिलकर के जैसे स्ट्रक्चरल जीन होता है, संरचनात्मक जीन, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ये सारे एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये जीन इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, अभिव्यक्ति से दर्शाने का मतलब यही है कि स्ट्रक्चरल जीन तो लगातार निर्माण करता रहेगा और इसके साथ साथ जो रेगुलेटर जीन है वो एक तरह की प्रोटीन का निर्माण करेगा जो कि उस ट्रिप्टोफैन एसिड जो कि बन रहा है उस पर नियंत्रण करने का काम करता है। रेगुलेटर जीन का यही काम होता है, प्रमोटर जीन प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है, ऑपरेटर जीन ऑपरेट करने का काम करता है। तो इस तरह से ये सारे जीन अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं प्रोकैरियोट कोशिका में भी और यूकैरियोट कोशिका में भी, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे फिर एसिड का निर्माण होता है। जैसे ट्रिप्टोफैन एसिड है, ट्रिप्टोफैन जिसका निर्माण होगा, तो अगर ट्रिप्टोफैन एसिड अपनी समुचित मात्रा में बन जाता है तो एक तरह का जो हम ये कह सकते हैं कि एक नियंत्रण कारक जो कि एक्स्ट्रा मात्रा है ट्रिप्टोफैन की, वो नियंत्रण कारक के रूप में उस प्रक्रिया को रोक देती है। तो इस तरह से जीन अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। तो जो बायोचिप्स है इसके माध्यम से हम इन जीन की अभिव्यक्ति के स्तरों का मापन कर सकते हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्टीफन फोडर। इस स्टीफन फोडर ने 1991 में अपने साथियों के साथ मिलकर पहली बार डीएनए जीन चिप को विकसित किया था। पहली बार डीएनए जीन चिप कब बनाई गई, 1991 में बनाई गई। किसके द्वारा, स्टीफन फोडर द्वारा बनाई गई। और बायोचिप्स में जो सबस्ट्रेट उपयुक्त जो प्रयुक्त होता है, सबस्ट्रेट जिसे हम अवस्तर कहते हैं, एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, वो सिलिका युक्त क्वार्टर्स हो सकता है, उसको हम सोडा ग्लास भी बना सकते हैं, प्लास्टिक के भी बना सकते हैं, और इनका चयन प्रायोगिक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी रासायनिक संरचना और उनकी भौतिक गुणों के आधार पर हम कर सकते हैं। जीन चिप्स क्या है, ये सूक्ष्म चिप होती हैं जिस पर जो डीएनए है, द्वि कुंडलित डीएनए, उसका आधा हिस्सा बनाने वाले डीएनए के अणु चिपके रहते हैं, ठीक है। जीन चिप्स क्या होती हैं कि ऐसी चिप जिस पर
डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए के अणु चिपके रहते हैं, उसका आधा हिस्सा बनाने वाले अणु वहां पर चिपके रहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम अनुवेशी डीएनए अणु कहते हैं, जो कि आगे फिर प्रोसेस में डीएनए का निर्माण करते हैं। देखिए, परीक्षण हेतु प्रयुक्तों जो नमूनों की पहचान करने में ये सक्षम होते हैं, किसी का हमने डीएनए परीक्षण करना है तो उस नमूने की पहचान करने का काम कौन करता है, जीन चिप करता है। अब जो माइक्रो एरे है, जिसे हम सूक्ष्म व्यू कहते हैं हिंदी में, ये क्या है, सूक्ष्म व्यू। सूक्ष्म व्यू इसके प्रकार क्या है, देखिए दो प्रकार की हम सूक्ष्म व्यू जानते हैं। पहला है इसके अंदर, वो है डीएनए माइक्रो एरे। डीएनए माइक्रो एरे ये क्या है, देखिए डीएनए माइक्रो एरे एक छोटा, जो छोटे आकार का डाक टिकट होता है उस आकार का, ये उससे भी छोटा होता है, और इसमें कांच का एक अवस्तर होता है जिस पर 400,000 छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकाएं, एक तरह से कोशिकाएं बनी होती हैं, उनको हम सेल्स कह सकते हैं, उनको हम कोष्ठ कह सकते हैं। जैसे मेरी ये हथेली है, ये कांच का एक अवस्तर है और इस पर बॉक्सेस बने हुए हैं, कितने, 400,000 तक, ठीक है। यानी इनको हम बॉक्सेस को हम क्या कहेंगे, कोष्ठ कह सकते हैं, इनको हम सेल्स कह सकते हैं। और प्रत्येक कोष्ठ में डीएनए का एक सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है, जितने भी ये कोष्ठ हैं 400,000, इनमें डीएनए का एक क्या पाया जाता है, सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है। और प्रत्येक सूक्ष्म बिंदु में विभिन्न जीनों, प्रत्येक जो सूक्ष्म बिंदु है डीएनए का, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीनों की एसएस डीएनए अनुक्रम पाया जाता है, यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अनुक्रम वहां पर उपलब्ध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक डीएनए माइक्रो एरे होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक तरह की क्या है, बायोचिप सी है। इसी तरह से दूसरा जो आता है वो प्रोटीन माइक्रो एरे है, नंबर टू। दूसरी क्या है, प्रोटीन की है, ठीक है। अब ये क्या है, यह एक, देखिए एक जो इसमें क्या होता है कि विलयन में उपस्थित अणुओं व स्थिर अणुओं के साथ बनने वाले उत्पादों पर यह निर्भर करता है, और ये तकनीक संलग्नी आबंधन मापन पर आधारित है। यानी इसको हम सरल शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि इस तकनीक का उपयोग न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन, संलग्नी ग्राही प्रोटीन, औसत प्रोटीन, लक्ष्य और एंजाइम के अध्ययन में किया जा सकता है। यानी कि प्रोटीनों की पहचान करने का काम कौन करता है, प्रोटीन माइक्रो एरे करता है। जैसे एंटीबॉडी माइक्रो एरे है, तो एंटीबॉडी से रिलेटेड जो प्रोटीन है उसकी पहचान कौन करेगा, प्रोटीन माइक्रो एरे करता है, जिसे हम एंटीबॉडी माइक्रो एरे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बायोचिप जो है, ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण होती। नेक्स्ट आता है नंबर तीन, वो है बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या है, देखिए जो बायोफिल्म है इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि जो सूक्ष्म जैव कोशिकाओं का एक तरह का ये समूह माना जाता है, एक तरह की यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारी सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, और यह स्थिर रूप से सतह से आसंजित रहता है। जैसे ये सतह है तो यहाँ पर ये एक तरह से आसंजित रहेगा, सूक्ष्म जैव कोशिकाएं इस तरह से यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने ये सतह मान ली सतीली को, तो इस सतह पर सूक्ष्म जैव कोशिकाओं का समूह है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए इस समूचे का काम क्या है, यह समूचे, पहली बात तो ये कि यह समूचे यहाँ पर है और यह पॉलीसैकेराइड से बनी हुई एक कवर से ढका हुआ रहता है, आधात्री होती है इसके अंदर एक पॉलीसैकेराइड की चारों तरफ, तो उस पॉलीसैकेराइड की आधात्री से ये ढका रहता है। और ये बायोफिल्म सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं और बाह्य कोशिक बहुलक जो होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस होते हैं, इनके द्वारा ये बनी होती हैं। यानी कि इनके अंदर सूक्ष्म जीव कोशिकाएं होती हैं, बहुत ही छोटी कोशिकाएं होती हैं, और बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थ होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर जो सब्सटेंस होते हैं, जो कोशिका का बाहर का स्वरूप बनाते हैं,
उस स्वरूप या उस पदार्थों द्वारा ये बनी होती हैं। इनका निर्माण प्राकृतिक और रूपांतरित दोनों ही कंडीशन में हम देख सकते हैं, किया जा सकता है। अब इसका काम क्या है, देखिए, बायोफिल्म अवशिष्ट जल उपचार जो कि प्रदूषित जल है उसके उपचार में ये काम आता है, जल की गुणवत्ता में सुधार करने में ये काम आता है। जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसकी पहचान करने में ये काम आता है। तो एक तरह से ये मूलभूत इकाई के रूप में इन प्रक्रियाओं में काम आता है। आगे चलते हैं, भारत में जैव प्रौद्योगिकी, देखिए भारत में जैव प्रौद्योगिकी आपको याद रखना है कि 1982 में बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में देखें हम क्या है। देखिए इस तकनीक में हम ये जानते हैं कि इस तकनीक में मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों, एक कोशिकीय जंतुओं, पादपों, कोशिकाओं, उनकी उनमें होने वाली जैव क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु जो उत्पाद हैं उनके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों और मानव कल्याण में इसकी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने 1982 में NBTB की स्थापना की थी। NBTB की स्थापना की थी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, इसको हम क्या कहेंगे फुल फॉर्म में, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो इस जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1982 में की गई। तो अब तो ये 4 साल तक भारत सरकार के अधीन रहा, इसलिए ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड कहलाया। लेकिन 1986 में इसको स्वतंत्र इकाई बना दिया गया। इसको स्वतंत्र इकाई कब बनाया गया, 1986 में, और किस नाम से बनाया गया, DBT के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। स्थापना कब हुई, 1982 में भारत सरकार द्वारा की गई और 4 साल तक ये भारत सरकार के अधीन रहा और उसके बाद 1986 में इसे स्वतंत्र इकाई बना दिया गया, यानी कि भारत सरकार ने इसको एक स्वतंत्र इकाई घोषित कर दिया। और यह विभाग करता क्या है, यह विभाग बायोटेक के क्षेत्र में अनुसंधान करने का काम करता है या अनुसंधान करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों और यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधाओं का विकास करता है, यानी कि उन मूलभूत सुविधाओं का अगर ये विकास करेगा तो वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसी तरह से अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करने का काम भी ये करता है, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और स्थापित, पहले से जो स्थापित केंद्र हैं उनमें सुविधाओं का, उनमें विकास का काम कर उन संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाता है, यानी कि उन संस्थाओं को मजबूत बनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ भारतवर्ष के स्थापित केंद्र हम देख लेते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब ये काम क्या करता है, ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड संस्थान है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रयोग होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह से मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी है, बोस इंस्टीट्यूट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में है, इसी तरह से पूना यूनिवर्सिटी है, पूना में है। अब पूना यूनिवर्सिटी क्या काम करती है,
पूना यूनिवर्सिटी में जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक वहां पर क्या है, एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, तो पूना यूनिवर्सिटी में एनिमल टिश्यू कल्चर से रिलेटेड प्रयोग किए जाते हैं, वायरोलॉजी से संबंधित, वायरस से संबंधित प्रयोग किए जा सकते हैं। इसी तरह से आगे आते हैं, इसी क्रम में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये भी पुणे में है और ये प्लांट टिश्यू कल्चर से संबंधित है। इसी तरह से इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, IARI जो है जिसे हम कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसको हम कह सकते हैं, ये प्लांट टिश्यू कल्चर से संबंधित है, फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, प्लांट मॉलिक्यूलर से संबंधित है, बायोलॉजी से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो इनसे संबंधित है ये संस्थान और इन शाखाओं से संबंधित प्रयोग और अनुसंधान कर नई जानकारियां जुटाने का काम कौन करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर करता है। इसी तरह से सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है और ये है हैदराबाद में, कहाँ है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, यहाँ पर ओंकोजीन से संबंधित काम किया जाता है। ओंकोजीन क्या है, ओंकोजीन कैंसर कोशिकाओं के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो क्या है, ओंकोजीन होता है। इसी तरह से सेल ट्रांसफॉर्मेशन कोशिका रूपांतरण यहाँ पर किया जा सकता है, किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन स्ट्रक्चर जो न्यूक्लिक एसिड DNA RNA है उनसे उनके निर्माण और इसी तरह से प्रोटीन के निर्माण से संबंधित प्रयोग यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसी तरह से नेशनल रोग क्षमता विज्ञान संस्थान, जो रोग क्षमता विज्ञान संस्थान है वो नई दिल्ली में है, तो वहाँ पर रोगों से क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता के संबंध में जो भी मेडिसिन है उनका निर्माण या उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद आता है सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी संस्थान एंजाइम इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करता है। इसी तरह से यह विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों में सूचना केंद्रों और उप सूचना केंद्रों की स्थापना करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं, समूहों और वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करने का काम ये करता है। तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कुछ और भी संस्थान बनाए गए हैं, जैसे NBPGR है, NBPGR, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखोगे, इसे कहते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, ये कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है ये, और ये NBPGR ये क्या काम करता है, ये जनन द्रव्य संग्रहण का काम करता है, संरक्षण का काम करता है, पुनः स्थापन का काम करता है, और इसी तरह से इसमें क्लोनीय फसलों के जनन द्रव्य संरक्षण हेतु जो क्लोन फसलें बनाई जाती है उनके लिए जनन द्रव्य को संरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रीय पादप उत्तक संवर्धन ये भी यहाँ पर बनाया गया है, प्लांट टिश्यू कल्चर नेशनल फैकल्टी इसके अंदर उपलब्ध है, ठीक है। इसी तरह से CIMAP ये एक दूसरा संस्थान है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। देखिए सैगंध जो पादप हैं उनसे रिलेटेड और मेडिसिनल पादप जिनसे हमें औषधियां प्राप्त होती है इनसे संबंधित प्रयोग इस संस्था में किए जाते हैं। ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, कहाँ है ये, लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है ये। इसी तरह से IBGRI ये भी एक संस्थान है जो ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन है और उससे रिसर्च इंस्टीट्यूट और उष्णकटिबंधीय पादपों से संबंधित प्रयोग इस संस्थान में किए जाते हैं।
तो इस तरह से ये हमने पढ़ लिया है। अब हम अगली क्लास में जानेंगे बायोटेक पार्क के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।